नमस्ते दोस्तों, मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवरात्रि स्पेशल इलायची वाला दूध बनाएंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है लेकिन सभी को बहुत पसंद आता है। जिसके लिए हमने ये शुगर पाउडर लिया है, 3 चम्मच है, जितना मीठा पसंद करें उतना ही डालें। और इसमें सबसे ज़रूरी जो सामग्री हमारी है वो मखाने का पाउडर है। मखाने का पाउडर इसको हमें सूखा भून लेना है, माइक्रोवेव में हमने भूना है, और सूखा भून के इसे इस तरह से पीस लेना है। बिना भुने इसे नहीं पीसना, यदि कच्चा पीसेंगे तो इसमें तीतापन आएगा। और इसे घी में भी नहीं भूनना है। यदि आप कढ़ाई में भूनते हैं तो गैस बिल्कुल धीमा करके, क्योंकि ये जलने ना पाए। ये हमारी 6-7 इलायची इसको पाउडर कर लिए हैं, बादाम की कतरन है गार्निशिंग के लिए। अब हम दूध की तरफ चलते हैं। हमारा गाय का दूध है, क्योंकि गाय का दूध हम कान्हा जी को भी देंगे, इसलिए गाय के दूध में ही बना रहे हैं। आप दोस्तों, हम कान्हा जी को भी देंगे इसलिए गाय के दूध में बना रहे हैं। वैसे कोशिश करके गाय का दूध पीने में इस्तेमाल करना चाहिए। दूध हमारा खोल गया है, दूध हमें बहुत ज़्यादा समय न लगे दूध को गाढ़ा करने में। यदि हम दूध को मलाईदार बनाएंगे, बहुत गाढ़ा करेंगे, तो इसमें ज़्यादा समय लग जाता है दूध औटने में। तो हम इसके लिए मखाने का पाउडर का इस्तेमाल करके दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा और जल्दी बन करके तैयार भी हो जाएगा। इसमें हम डाल देते हैं पिसा हुआ मखाने का पाउडर। आपको इसमें, यदि आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं, तो हल्का सा इसमें आरारोट भी डाल सकते हैं। और इलायची के अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी है, जिससे फ्लेवर चेंज ना होने पाए। गैस धीमी करके इसको हम चलाते रहेंगे। कम से कम इसे हम चलाते हुए 10 मिनट तक उबालेंगे। इस स्टेज पर हम इलायची पाउडर डाल देंगे। चीनी हमें अभी नहीं डालना है। थोड़ा दूध मेरा गाढ़ा हो जाए तो हम चीनी डालेंगे। आप इसको बना करके नवरात्रि व्रत में बनाइए। ठंडा पीना चाहें तो फ्रिज में रख दें, और नहीं तो गर्म पीना चाहें तो इसको गर्म भी अच्छा लगेगा। इस तरह से चलाते हुए इसे 10 मिनट तक हम बॉयल करेंगे। गैस आप तेज रख सकते हैं, बस ध्यान रहे कि दूध बहने ना पाए। दोस्तों, दूध हमारा खौल रहा है। इसको अधिकतर कढ़ाही में ही बनाया जाता है। दुकानों पर जो बनता है तो बड़े से कढ़ाही में बनता है, आटा हुआ दूध बोलते हैं। कुल्हड़ में, अधिकतर बनारस में तो ये कुल्हड़ में ही मिलता है। इलायची का दूध हुआ, केसर का दूध हुआ। तो अभी इसे हम गाढ़ा करने के लिए गैस हमने थोड़ा तेज रखी है। अभी इसे हम 6-7 मिनट और पकाएंगे, फिर देखते हैं। यदि कम गाढ़ा लगेगा थोड़ा सा और पका देंगे। दोस्तों, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अभी ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। गैस धीमा कर लेते हैं और इसमें शुगर पाउडर डाल देते हैं। हम 2 चम्मच केवल डालेंगे, क्योंकि ये हल्का मीठा होगा। बस दूध की, उसमें चीनी की मिठास न लगे, दूध की मिठास लगे तभी पीने में अच्छा लगेगा। चीनी को और पकाएंगे। आपको अच्छी तरह से 6-7 मिनट तक पकाना, इससे मखाना और दूध, इलायची सब अच्छी तरह से बिल्कुल घुल मिल जाए। इलायची भी अपना फ्लेवर छोड़ दे दूध में। दोस्तों, दूध हमारा बनकर के तैयार है। आप देख सकते हैं इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। ऊपर से झाग देख के समझ में आ जाता होगा कि इतना गाढ़ा दूध हमें चाहिए आटा हुआ। मखाने का पाउडर डालने से आपको बहुत देर तक नहीं पकाना पड़ेगा, और यदि आपका दूध पतला है तो गाढ़ा हो जाएगा। और एक टिप्स और बता रहे हैं, यदि आपके पास मखाने का पाउडर नहीं है तो आप 1 चम्मच साबूदाने को पीस करके उसका पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ही अच्छी तरीके से चलाना है, जिससे उसमें गुठलियाँ ना पड़ने पाएँ, क्योंकि ये व्रत के लिए है। गैस हम बंद कर देते हैं, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए फिर इसको हम सर्व करते हैं। दोस्तों, दूध हमारा बन करके तैयार है। यह पीने लायक हो गया है ठंडा, इतना ही गुनगुना हमें पीना चाहिए। इसको हम कप में निकाल लेते हैं। हम थोड़ी सी मलाई डाल देते हैं। हल्की सी बादाम की कतरन,
यदि आपको दूध गर्म पीना है तो गर्म भी अच्छा लगेगा, और यदि आप चाहें इसको ठंडा करके पीना तो फ्रिज में रख दें। बहुत ज़्यादा ठंडा इसे नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर इलायची का स्वाद समझ में नहीं आएगा, तो हल्का ठंडा करके भी पी सकते हैं। वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।